सोलन में एबीवीपी सोलन द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता शुभम राठौर विभाग सह संयोजक ने की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार शिक्षा को लेकर बड़े बड़े वायदे तो कर रही है, लेकिन हकीकत में ये सभी दावे खोखले साबित होते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि निजी के साथ साथ सरकारी शिक्षा दिन प्रतिदिन महंगी होती जा रही है, जिसके चलते गरीब युवा शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। सोलन में एबीवीपी सोलन द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता शुभम राठौर विभाग से संयोजक ने की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार शिक्षा को लेकर बड़े बड़े वायदे तो कर रही है, लेकिन हकीकत में ये सभी दावे खोखले साबित होते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि निजी के साथ साथ सरकारी शिक्षा दिन प्रतिदिन महंगी होती जा रही है, जिसके चलते गरीब युवा शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षण संस्थानों में पर्याप्त स्टाफ नहीं है, प्रदेश के सभी युवा विद्यार्थी परेशान घूम रहे हैं। भाजपा सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बड़े बड़े दावे किए थे, ये दावे धरातल में नजर नहीं आ रहे हैं। इसलिए वे प्रदेश सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि वे प्रदेश में विद्यार्थियों को सुध ले और जो वायदे उन्होंने प्रदेश के युवाओं से किए थे वे उन्हें जल्द पूरा करे, अन्यथा एबीवीपी इसके खिलाफ आंदोलन करेगी और विद्यार्थियों के भविष्य से सरकार को खेलने नहीं देगी। शुभम राठौर ने भाजपा सरकार की शिक्षा प्रणाली को लेकर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश के युवाओं को अच्छी और बेहतर शिक्षा नीति लाने का वायदा किया था, लेकिन आज कॉलेजों में विद्यार्थियों के परिणाम काफी समय से घोषित नहीं हो रहे हैं। इसलिए कॉलेज के विद्यार्थी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वे प्रथम वर्ष की तैयारी करें या द्वितीय वर्ष में प्रवेश लें। उन्होंने कहा कि हैरानी वाली बात यह है कि अभी तक विद्यार्थियों के पेपर भी चेक नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से उनका परिणाम कब आएगा ये भी कहा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि नोनी और पालमपुर कृषि महाविद्यालयों की फीस में बेहद ज्यादा वृद्धि कर दी गई है और यहाँ तक कि इकडोल में भी वृद्धि की गई है। ऐसे में हिमाचल के गरीब लोग अपनी शिक्षा कैसे ग्रहण करेंगे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सोलन जिला के अंदर जो ये प्रेस वार्ता की, इसके अंतर्गत हम प्रदेश सरकार के समक्ष कुछ जो मुद्दे संज्ञान में लाना चाहते थे, जिसमें रिवॉल्यूशन का जो एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि बच्चों ने 5-6 महीने पहले रिवॉल्यूशन का फॉर्म भरा था पर अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है। तो इसमें भी विद्यार्थी परिषद प्रदेश सरकार से मांग करती है कि प्रदेश विश्वविद्यालय जल्द से जल्द जो रिवॉल्यूशन का जो रिजल्ट है इसको घोषित करे, ताकि जो विद्यार्थियों के 2 साल बर्बाद हो रहे हैं ये 2 साल बर्बाद होने से बचे। दूसरा, विद्यार्थी परिषद ये लाना चाहती है कि जो हिमाचल प्रदेश की तरफ प्रदेश सरकार कहती है कि हम प्रदेश को विकास की तरफ लेके जा रहे हैं, पर प्रदेश के अंदर अगर सड़कों की हालत देखा जाए तो सड़कों की हालत खस्ता हालत है, इसमें गड्ढे और कई दिन कई प्रकार के हादसे हमें देखने को मिलते हैं। तो विद्यार्थी परिषद ये मांग करती है प्रदेश सरकार से कि जल्द से जल्द जो ये सड़कें हैं इसको ठीक किया जाए, जो इसमें गड्ढे है इस जो इसकी खस्ता हालत है इसको ठीक किया जाए। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त चला, एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।